सूरत के ऐतिहासिक चौटा बाजार में महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतों के बाद आखिरकार व्यापारियों के संगठन ने कानूनी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए बैनर्स लगाए हैं। चौटा बाजार सूरत शहर में खरीदारी करने वाली महिलाओं की पहली पसंद का बाजार है। चौटा बाजार को सूरत का दिल माना जाता है। महिलाओं के साथ मौखिक छेड़छाड़ की घटनाएं भी होती है, खासकर जब वे खरीदारी के लिए जाती है। चौटा बाजार में खासतौर पर महिलाएं खरीदारी के लिए आती है। सूरत में महिलाओं के लिए कैटलरी ड्रेस सामग्री के साथ साथ रेडीमेड कपड़ों की सबसे बड़ी विविधता है, लेकिन यहाँ कुछ विकृत मानसिकता वाले कारोबारी महिलाओं पर बुरी नजर रखते हैं। वे महिलाओं को देखकर अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करके उनके साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। हालांकि चौटा बाजार में यह बहुत ही आम सी बात हो गई। आखिरकार व्यापारी वर्ग की ओर से लगाए गए बैनरों को लेकर शहर में भी चर्चा शुरू हो गई है। यह बात हमेशा चर्चा में रहते हैं कि कुछ व्यापारी और वहाँ छोटा बड़ा कारोबार करने वाले लोग महिलाओं को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं। एक खास वर्ग के लोग महिलाओं को शारीरिक उत्पीड़न के लिए निशाना बनाते हैं या गंदी कमेंट्स करते हैं, लेकिन इस स्थिति में महिलाओं का उनके साथ बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने देर से ही सही लेकिन यह मामला उठाया। इसमें कहा गया है कि चौटा बाजार में बैनर लगाकर महिलाओं का मजाक उड़ाने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। शहर के राजनीतिक लोग भी चौटा बाजार की स्थिति से भली भांति परिचित हैं, लेकिन वे भी आज तक मूक दर्शक बनकर देख रहे थे।